यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं नेहा प्रयागराज से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर यूपीएससी ज्ञानदायिनी में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पर जैसा कि आज मैं थोड़ा सा बोर्ड पे हिंट लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ, ताकि आप लोगों से कह सकूँ कि बोर्ड में देखिए पीछे लिखा है, जिसके विषय में बताएंगे। तो आज हम लोग भारत की कुछ प्रमुख झीलों के विषय में देखेंगे। छोटा सा टॉपिक है, इसलिए मैंने सोचा इसको आज ही उठाएं और आज ही खत्म कर दें, इसमें ज़्यादा समय वेस्ट ना किया जाए। क्योंकि यहाँ जो भी झीलें हैं, अभी रात के 12:30 के ऊपर उठ चुका है, लेकिन बाइक फिर भी जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं झीलों के विषय में। तो यहाँ पर आज हम झील की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं झील। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की प्रमुख झीलों की। तो प्रमुख झीलों से पहले मैं आपसे थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहूँगी, जो थ्योरी होती है उसके विषय में। तो यहाँ पर झील किसे कहते हैं, पहले इसके विषय में हम लोग जानेंगे कि झील किसे कहेंगे। तो जैसे कि झील उसे कहेंगे जो जल है, जो झील का जल होता है, जल स्थिर भाग में स्थित होता है और उसके चारों तरफ क्या होती है, भूमि होती है। ठीक है, जैसे जल का वह स्थिर भाग, ऐसे परिभाषा आप लिखना चाह रहे हैं, जो लोग नहीं समझ पाए वो लोग लिख सकते हैं, जल का वो स्थिर भाग जो भूमि के चारों तरफ, जो भूमि से चारों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं, जल का वो स्थिर भाग, जल का वह स्थिर भाग जो भूमि से चारों तरफ से घिरा हुआ है, क्या है, जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर बात करते हैं, मान लीजिएगा ये भूमि है, ये भूमि चारों तरफ से जल है, ये जल है और ये भूमि से चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे, झील कहेंगे। इसे क्या कहेंगे आप, झील कहेंगे। और इसकी एक और विशेषता है, इस झील मतलब ये झीलों की एक और विशेषता है कि ये स्थायित्व होती, मतलब ये हिलती डुलती नहीं है। हिलती डुलती का मतलब कि इनमें कोई धारा नहीं होती, इनका कोई प्रवाह नहीं होता। जैसे गंगा नदी का प्रवाह होता है कि वो पहाड़ या नदी हिमालय या पहाड़ों से निकलती हैं जो नदियाँ, तो उनमें जैसे वो ऐसे ऐसे पहाड़ हैं, पहाड़ पर्वत से ये नदियाँ निकली और ये जब नीचे आई तो ये ढलानों की तरफ बहती हैं, मतलब इनकी एक धारा होती है, ऊपर से गिरी तो ये धारा इनकी गिरती है, परंतु इनकी कोई धारा नहीं होती, ये स्थायित्व होते हैं। ठीक है ना, तो आप जैसे मतलब शॉर्ट में और एकदम सटीक परिभाषा इसकी यही होगी झील की, जल का वह स्थिर भाग जो भूमि से चारों तरफ से घिरा हुआ है उसे क्या कहेंगे, झील कहेंगे। यही बात सेम टू सेम यही बात क्या है, घिरा हुआ है। आगे आप इसे तालाब भी लिख सकते थे, परंतु मैंने झील ही क्यों कहा, कुछ लोगों का ये सवाल हो सकता है, तो कुछ लोग सोचेंगे कि ये झील है एक तालाब, लेकिन ये बड़े स्तर पर होती है, जब ये बड़े स्तर पर होगी तो इसे झील कहेंगे। जैसे आप सभी लोग गांव में रहते हैं, कुछ लोग गांव से उठकर ही बाहर गए हैं, जो भी जिस स्तर पर आए तो लोग तालाब जानते हैं, चाहे जहाँ रहे हों तालाब जरूर जानते हैं। तालाब भी इसी तरह होता है कि वो भूमि से चारों तरफ से घिरा होता है और बीच में पानी होता है, ठीक है ना। परंतु इसमें क्या होता है, कभी कभी इसी से कहते हैं ना नहर, छोटे छोटे तालाब में नहर या पानी इसे बहा ले जाता है, परंतु कोई कोई तालाब ऐसा होता है कि उसमें पानी भरा ही रहता है, तो उसे तालाब कहेंगे, क्योंकि वो छोटे स्तर पे है, वो लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से, मतलब जो मोहल्ले के गांव के जो भी हैं उससे ज़रूरत के हिसाब, इसमें पानी अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर से भरा जाता है, इसमें भी यही प्रक्रिया है। लेकिन जब छोटे स्तर पर होगी तो ये तालाब कहलाएगी, और जब बड़े स्तर पर विस्तार होती है, विस्तृत होती है, तो इसी को क्या कहेंगे, झील कहेंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आगे बात करते हैं हम भारत के प्रमुख झीलों की। तो झील पहले आप जान लीजिएगा मोटा मोटा झील के प्रकार, झील कितने प्रकार की होती है, तो झील के प्रकार जान लीजिएगा, झील के प्रकार। ठीक है, एकदम मोटा मोटा मैं आपको बताऊंगी, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लेके जाऊंगी, एकदम मोटा मोटा झील के प्रकार। तो पहली झील मतलब झील कितने प्रकार की हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगी, बस चार प्रकार की ही झीलें बताऊंगी। तो पहले मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, मीठे पानी की झील हो गई। अब मीठे पानी की झील का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर आपको चीनी घुली हुई मिलेगी या आपको शक्कर मिलेगी, मीठे पानी की झील का मतलब है फ्रेश वाटर लेक, मतलब
कि आपको जैसे बरसात का पानी या बारिश का पानी आप कहीं इकट्ठा कर सकते हैं और फिर उसे आप पीने योग्य बना सकते हैं। इसे कहेंगे मीठे पानी की झील। मतलब ये पानी फ्रेश है, मतलब इसे पिया जा सकता है, इसे पीने योग्य लाया जा सकता है। खारे पानी की झील, मतलब ये पानी खारा होगा। यहाँ लवण, जैसे आप नमक, जैसे सांभर झील से आप नमक भी निकाला जाता है, सांभर झील हो गया, डिडवाना झील जो राजस्थान की वहां से, फिर इसके बाद लैगून झील, कृत्रिम झील और एक और झील लिख लीजिएगा, लैगून झील, कृत्रिम, गोखुर झील। ये झीलें इतनी प्रकार की होती है, कितनी, ये मोटा मोटा आपको बस इतनी ही प्रकार की झीलें आपको जानने की आवश्यकता है। और बाकी तो झीलें बहुत हैं, आप जानना चाहेंगे तो पूरे भारत में, अभी सिर्फ भारत की बात हो रही है, यहाँ पर बहुत झीलें हैं, जगह जगह आपको झीलें मिली जाएंगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, जम्मू कश्मीर से शुरू करेंगे और आपके जो इम्पोर्टेंट झीलें हैं वहाँ तक ले चलेंगे। जम्मू कश्मीर की झीलें जैसे आप लेक भी लिख सकते हैं, झील का मतलब लेक। तो जम्मू कश्मीर की झील पहले आप लिख लीजिएगा, अनंतनाग झील होती है, फिर नागिन, जैसे चाहे आप पहले नागिन झील भी यही है, वेरीनाग झील, शेषनाग, ठीक, ये तो है ही, इनके अलावा भी जो है एक है विश्व नसर झील, इसको मैं अभी समझाती हूँ आपको। फिर आपकी है वूलर झील और डल झील, इतना आपको नीचे तक दिख रहा है कि नहीं, डल झील तक, हाँ दिख रहा है, ठीक है, तो डल झील तक बात हुई। तो देखिए अनंतनाग झील, वेरीनाग, शेषनाग, जहाँ नाग नागिन की बात आ जाए वहाँ पर कौन, कहाँ की ये झीलें, तो जम्मू कश्मीर की झीलें, जहाँ नाग नागिन, अनंतनाग झील, नागिन झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, तो यहाँ पर अगर नाग नागिन की बात आ जाए तो इन्हें बस ऐसे याद कर लीजिएगा कि ये झीलें जम्मू कश्मीर की हैं। कहाँ की हैं, जम्मू कश्मीर की। इसके बाद जो नीचे झील लिखी हुई है विश्व नसर झील, तो इतने जब नाग नागिन है तो यहाँ पर विश्व भी होगा, इसे आप ये वाले विश्व से मिला लीजिए, विश्व, ठीक है, तो है ये वाला विश्व, लेकिन आप इस वाले विश्व से, जब इतने नाग नागिन है तो यहाँ पर विश्व भी होगा, तो विश्व नसर झील भी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। फिर वूलर झील, आप वूलर झील तो बहुत अच्छे से जान रहे होंगे, सबसे भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, सबसे मीठे पानी की झील या फ्रेश वाटर लेक है भारत की, ठीक है। डल झील तो लगभग सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर तो लगभग फिल्मों की शूटिंग भी यहीं पर होती है, लोग घूमने जाते हैं डल झील पर, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, आप भी कभी मौका मिले तो घूमने अवश्य जाइए डल झील पर, ठीक है, डल झील हो गया। आगे बात करते हैं, यहीं पर एक और झील है मानस बल झील, ये भी याद कर लीजिएगा आप, मानस बल झील। अब जहाँ पर इतने नाग नागिन है, जहाँ पर इतने नाग नागिन है, तो जिस मनुष्य के अंदर बल होगा वही पर इतने नाग नागिनों के बीच में रह सकता है, इतने विश्व के बीच में रह सकता है, या आप इसे ऐसे भी याद करते हैं कि यहाँ पर बहुत ठंड होती है तो इसीलिए उलन लेके जाते हैं, मतलब उलन कपड़ा लेके जाते हैं, डाल कर लेके जाते हैं, और तो जिस मनुष्य के या जिस मानस के अंदर बल होगा वही इतनी ठंड में रहेगा, ऐसे भी आप इसे मतलब मिला सकते हैं या बना सकते हैं। आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, कैसे भी याद करना है, कुछ भी बना लीजिएगा, ट्रिक कोई भी मायने नहीं रखती कि किस तरह आप याद करते हैं, बस आपको चीज़ें याद होनी चाहिए कि मानस बल झील कहाँ पर है, विश्व नसर झील कहाँ पर है, अनंतनाग झील कहाँ पर, नागिन झील कहाँ पर है, वेरीनाग झील कहाँ पर है, शेषनाग झील कहाँ पर है, भूलर झील कहाँ पर है, डल झील कहाँ पर, इतनी सारी बात होती है जम्मू कश्मीर की झीलों की, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड की, यहाँ से जम्मू कश्मीर से निकले और उत्तराखंड की बात किए, कहाँ की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं। जो डल झील है उसे श्रीनगर का गहना कहा जाता है, इसलिए हाँ ये श्रीनगर का गहना डल झील को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैंने बताया कि वहाँ पर फिल्मों की शूटिंग होती है, लोग देखने जाते हैं, तो उसे गहना कहा जाता है, कोई भी चीज़ जब अच्छी होती है लोग उसे देखने जाते हैं, पसंद करते हैं, तो वो एक गहने के रूप में प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो उसमें मोटा मोटा आप ऐसे याद कर लें, डल झील को श्रीनगर का गहना कहा जाता है। आगे बात करते हैं उत्तराखंड की झील क्या है, उत्तराखंड की झील, तो यहाँ पर तो लगभग सारे ताल ही होते हैं, नैनीताल,
अब आप जैसे वहां पर नाग नागिन वाली झील याद किए, क्या याद किए, नाग नागिन वाली झील, कि नाग नागिन की जम्मू कश्मीर जो भी झीलें होंगी वो नाग नागिन की ही होंगी, ठीक है। फिर उलर झील और डल झील, बस दो आपको, और मानस झील, मानस बल झील, बस तीन आपको अलग से याद करनी। विश वाली भी नाग नागिन से ही मिल जा रही है, तो आप उसे भी वहीं से मतलब संबंधित कर, संबंध बना सकते हैं उनका, ठीक है ना, अच्छे से। अब आते हैं उत्तराखंड की कुछ झीलें हैं, तो नैनीताल हो गई, सात ताल हो गई, क्या हो गई, सात ताल, सात ताल झील, ठीक है, राकसताल, राकसताल झील हो गई, इधर ही लिख देते हैं, राकसताल झील हो गई, और माला झील, माला ताल, माला ताल, माला ताल झील हो गई। फिर इसके बाद आपकी होती है देवताल, खुरपा ताल, क्या हुए, खुरपा ताल। तो कौन कौन सी हुई, नैनीताल, देवताल, माला ताल, खुरपा ताल, सात ताल, राकसताल, ठीक है। तो इतनी आपकी इंपॉर्टेंट झीलें हैं कहाँ की, उत्तराखंड की, ये आपको याद करना। जितनी ताल हैं, जितनी ताल नहीं है, तीन ताल ऐसी हैं जो आपको याद करनी, बाकी जितनी ताल हैं वो उत्तराखंड की हैं। तीन ताल ऐसी हैं जो उत्तराखंड की नहीं हैं, वो कहीं और की हैं, मैं उनकी अभी चर्चा करती हूँ। जैसे माला ताल, नैनीताल, सात ताल, राकस ताल, खुरपा ताल, देवताल, ये कहाँ की हैं, उत्तराखंड की हैं। लेकिन तीन ताल ऐसे हैं जो उत्तराखंड की झीलें नहीं हैं, लेकिन उन्हें ताल है, तो वो कहाँ की झीलें होंगी, मैं उन्हें बताती हूँ आपको। अब यहाँ पर लिख लीजिएगा आप हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की झील, हिमाचल प्रदेश की दो झीलें हैं, दो झीलें क्या हैं, एक है सूरत ताल, एक है चंद्रताल, बस ये दो झीलें हैं, सूरत ताल और चंद्रताल। चाहे आप सूरज ऐसे याद कर लीजिए, सूरज, यहाँ पर सूरत न लिखकर सूरज लिख लीजिए, ताकि याद करने में भी आपको आसानी रहे। सूरज ताल, सूरज और चंद कहाँ के हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश के हैं, कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं। ये दो ताल, एक ताल और है जो उत्तर प्रदेश की है, बस ये तीन ताल याद कर लीजिएगा, बाकी जितनी भी तालें आती हैं, जितनी भी ताल झील की ताल लास्ट में ताल आ रहा है, तो वो कहाँ की होंगी, उत्तराखंड की होंगी। रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल, ये कहाँ की, ये आपके उत्तर प्रदेश की है, ये आपके उत्तर प्रदेश की है। तो इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर राम है, अभी राम भगवान बहुत चर्चा पर चर्चा में है इतने समय अयोध्या को लेकर, तो आप राम का जन्म, राम की जन्मभूमि कहाँ, तो अयोध्या में है, तो ऐसे ही इसे संबंध बना सकते हैं, इसका को रिलेट कर सकते हैं इससे, कि यूपी में रामगढ़ ताल है, तो कैसे आप बनाएंगे कि यहाँ पर राम अयोध्या में है और रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश की, ठीक है। इतनी बात आपको, ये तीन ताल याद कर लेते हैं, सूरज ताल, चंद्र ताल और रामगढ़ ताल। बाकी जितने भी ताल आए, नैनीताल, राकस ताल, खुरपा ताल, जो भी ताल आए, वो कहाँ के, उत्तराखंड के, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं सिक्किम की, सिक्किम की एक ही झील है, सिक्किम की क्या है, एक झील है, चोलामू झील, आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चोलामू झील। ये भारत की सबसे ऊंची झील है, क्या है, सबसे ऊंची झील है चोलामू झील, क्या है, भारत की सबसे ऊंची झील है। तो कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में ही। जैसे कौन सा हिमा पर्वत सबसे ऊंचा है, वो भी सिक्किम में, भारत का, वैसे तो केटू गार्डविन या हिमालय माना जाता है, लेकिन हिमालय आपके भारत में नहीं है, इसलिए जो कंचनजंगा है वो भारत के सिक्किम में है, ठीक है। ऐसे भी आप इसे को रिलेट कर सकते हैं कि चोलामू झील सबसे ऊंची है, कहाँ पर है, सिक्किम में है, सबसे ऊंची और सिक्किम में स्थित है, ठीक है, सबसे ऊंची है भारत में, सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो चोलामू झील है, कहाँ पर है, सिक्किम में स्थित है। इतनी बात आपको मोटी मोटी याद होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं मणिपुर की, मणिपुर तो लगभग सभी लोग जान रहे हैं, मणिपुर झील, मणिपुर की झील, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी झील है, लोकटक झील है, लोकटक झील, कौन सी झील है, लोकटक झील है। लोकटक झील में एक राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, केबुल लाम जाओ, क्या है, केबुल लाम जाओ एक राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ है। ये
इस लोकटक झील में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो तैर रहा है, वहीं पर उसी राष्ट्रीय उद्यान में मतलब घर भी बने हुए हैं, उसका मजा लेने के लिए लोग देखने आते हैं, इसमें मजा लेने के लिए लोग जाते भी हैं। तो कैसे इसे याद करेंगे कि कोई भी चीज जैसे केवल लाम जाऊं, तो यहाँ से मजा निकाल लो, मजा, और मजा के लिए क्या करना पड़ता है, मनी मतलब पैसा खर्च करना पड़ता है। जब भी आप कहीं भी मजा लेंगे, एंजॉय करना करने के लिए होगा, तो अब लोगों को मनी चाहिए होती है। आप चाहे किसी रेस्टोरेंट में जाएं या कहीं पर भी जाएं, अगर आप मजा लेने के लिए जा रहे हैं कि चलिए मजा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं तो अगर इस तरह का मजा लेना है कि आप जैसे नाव में बैठकर मजा लीजिए, तो वहाँ पर क्या करना है, तो मनी खर्च करनी पड़ती है। तो मणिपुर की झील है कौन सी, लोकटक झील। लोकटक झील में क्या है, केवल लाम जाओ जो ये तैरता हुआ है, ठीक है, ये तैरता हुआ है, दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है जो तैरता हुआ है, दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है जो लोकटक झील पर है, केवल लाम जाओ जो तैरता हुआ है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। आगे बात करते हैं राजस्थान झील की। क्या बात करेंगे, राजस्थान की झील है। अब मैं थोड़ा सा फिर चेंज करती हूँ। अब यहाँ पर आप क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा झील है, तो इसको ऐसे करके लिखिए, यहाँ तक आपको दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। राजसमंद, जयसमंद, राजसमंद, जयसमंद, और उसके बाद फतेह सागर झील, और उसके बाद सांभर झील, उसके बाद डिडवाना झील, ठीक है। तो ये पांच झीलें आपको याद करनी है। क्या याद करनी, पांच झीलें, राजसमंद झील, जयसमंद, फतेह सागर झील, डिडवाना झील, सांभर झील, ठीक है। डिडवाना झील जो आपकी है, कैसे याद करेंगे, कहेंगे कि ये तो भूल जाता है, पहले उसके विषय में बात करते हैं। तो राजस्थान की झीलें हैं, तो राजस्थान में राजा रजवाड़ों का बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा, पिछले कुछ सालों जब राजा रजवाड़े यहाँ राज करते थे, तो राजा से, तो राज से तो एक ये याद हो जाती है राजसमंद, फिर राजा लोगों को जीतने की बहुत चाह होती थी तो जयसमंद, फिर वो फतेह मतलब फतेह करते थे जब जीत, जयसमंद और फतेह से फतेह करते थे मतलब जीते थे, तो फतेह सागर और सांभर और डिडवाना आपको याद करनी है। तो सांभर झील कहाँ है, ये सबसे खारी झील है, क्या है, भारत की सबसे खारी झील है जो अंतःस्थली है, ये जरूर बात याद रखिएगा, जो इनलैंड है मतलब ऐसे आप याद करिएगा। कुछ लोगों को अंतःस्थली का मतलब नहीं समझ में आया हुआ हिंदी में, तो वो लोग इंग्लिश जान रहे हैं, इनलैंड, जो इनलैंड अंतःस्थली है, ठीक है। डिडवाना, जो ये डिडवाना झील है, ये दूसरी, ये पहली होगी भारत की, ये दूसरी खारे पानी की झील है, यहीं से नमक उत्पादन किया जाता है, नमक का उत्पादन किया जाता है डिडवाना झील से, क्या किया जाता है, नमक का उत्पादन किया जाता है डिडवाना झील से, ठीक है। इतनी बातें आपको मोटा मोटा याद हो गई होंगी। राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर झील, सांभर झील, डिडवाना झील, अब इतनी बात आपको बिल्कुल मोटी मोटी याद करनी पड़ेगी। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ही झील बता रही हूँ, इधर उधर की झीलों को आपको बिल्कुल नहीं लेके जा रही हूँ, और ज़्यादा बात भी नहीं करूँगी क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाता है, तो फिर आप लोग कहते हैं कि लेक्चर आपका लंबा हो गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र की एक झील है, महाराष्ट्र की झील, क्योंकि एक ही झील की बात करेंगे यहाँ पर, तो वो है लोणार झील। लोणार झील ऐसी झील है जो क्रेटर से बनी है, जो उल्का पिंड से बनी है, जो पृथ्वी के टकराने से उल्का पिंड गिरा, जो पृथ्वी पर उल्का पिंड टकराया, तो उससे ही इसका निर्माण हुआ, ठीक है। तो लोणार झील कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ये रंग बदलने से भी जानी जाती है, लोणार झील अक्सर चर्चा में रहती है क्योंकि ये अपना रंग बदलती है, इसलिए भी इसे जाना जाता है। अभी कुछ दिन पहले ये गुलाबी हो गई थी, इसका जल जो था वो गुलाबी हो गया था, ठीक है। तो इसे रंग बदलने के नाम से भी जाना जाता है, कौन सी, लोणार झील, ठीक है। इसका निर्माण जैसे मैंने बताया उल्का पिंड पृथ्वी पर टकराया था तब हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं केरल की,
केरल की झील। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा केरल की झीलों को, पेरियार झील, अष्टमुडी झील, वेम्बनाड झील। ठीक है, तो पेरियार नदी भी है, तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये यहाँ पर जब ऐसे भारत का मैप बनता है तो यहाँ पर पेरियार नदी भी है, तो यहीं पर पेरियार झील भी है, अष्टमुडी झील। ठीक है, वेम्बनाड झील जो इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं इसको यहाँ पर बताती हूँ। पहले क्या है वेम्बनाड झील, ये केरल की सबसे बड़ी झील है, केरल की सबसे बड़ी झील है। और भारत की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मतलब भारत की सबसे लंबी झील है कौन सी, वेम्बनाड झील, कहाँ पर है, केरल में है। इतनी बात आपको केरल के विषय में जाननी है। केरल की कितनी झीलें हैं, 3 झीलें हैं, पेरियार झील, अष्टमुडी झील, वेम्बनाड झील। वेम्बनाड जो है वो केरल की सबसे बड़ी झील है, परंतु देश की सबसे लंबी झील है, देश की सबसे लंबी झील है। ठीक है ना, तो आगे बात करते हैं, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, आंध्र प्रदेश की झीलें। आंध्र प्रदेश की जो बात होगी वो होगी एक आपकी कोलारू झील या कोलेरू झील, एक होगी आपकी पुलिकट झील। ठीक है, दो ही झीलें हैं आपकी कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में कितनी झीलें हैं, पुलिकट झील और कोलेरू झील या कोलारू झील, इसे दोनों कह सकते हैं लोग। वैसे तो कोलेरू ही झील बोलते हैं, लेकिन दोनों जगह आपको कई बुक जब जैसे पढ़ेंगे तो अलग अलग नाम आपको मिल जाते हैं। ये जो पुलिकट झील है, यहीं पर आपका सतीश धवन उपग्रह केंद्र भी स्थित है, कहाँ, यहीं पर। ठीक है, पुलिकट झील पर ही है। ठीक है, क्या है, सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी है। ठीक है, इतनी कोलेरू झील और पुलिकट झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील और पुलिकट झील कहाँ पर है, आंध्र। हाँ, पुलिकट झील जो है, ऐसे लिख लीजिए, पुलिकट झील एक क्या है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी है लैगून झील है। ठीक है, लैगून झील है पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश में है, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। तो आप लोग कहेंगे कि मैम सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो इसके बाद में तुरंत बस उसी की चर्चा करूंगी, इसलिए मैंने पहले इसे बता दिया ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो पाए। अब आते हैं उड़ीसा की एक झील है, उड़ीसा की झील क्या है, उड़ीसा की कौन सी झील है, तो चिल्का झील। तो इसके विषय में जब पहला पॉइंट क्या होगा, ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, चिल्का झील। और ये खारे पानी की झील है, कौन सी है, खारे पानी की, भारत की सबसे सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है, खारे पानी की झील, सबसे बड़ी जो मैंने सांभर झील आपको बताई थी वो अंतस्थली झील है। ठीक है ना, ये सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, तटीय झील है। ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल याद करनी है, तटीय झील है ये, क्योंकि समुद्र के तट पर है। ठीक है, ये पॉइंट बताने के लिए मैं यहाँ तक मतलब आई कि आपको ये बता सकूं कि भारत की जो सबसे खारे पानी की झील है, जो तटीय झील है, तो वो कौन सी है, चिल्का झील। ऐसे नॉर्मली अगर क्वेश्चन बनेगा आपका तो आप बता सकते हैं। मैं आपको अब थोड़े से आज मैं प्रश्न भी लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को मैं प्रश्न पूछ सकूँ तो आप लोग उनका उत्तर दे सकें। ठीक है, जैसे भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा तट के भौगोलिक दृश्य से इसे उत्तरी सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे उत्तरी सागर कहा जाता है।
सबसे खारे पानी की झील सांभर झील है जो राजस्थान में है, जैसे मैंने बताया, लेकिन वो अंतःस्थली झील है, खारे पानी की झील है लेकिन वो अंतःस्थली झील है, ठीक है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वूलर झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे लंबी, मैंने बताया ना, सबसे लंबी झील जो केरल की वेम्बनाड झील है, इसी झील पर वेलिंगटन एक सिटी है, वेलिंगटन स्थित है, जो नौकागम्य झील है, ठीक है। सबसे ऊंची झील जो मैंने आपको बताया चुलामू झील जो सिक्किम में है, तैरती हुई द्वीपीय झील जो मणिपुर के लोकटक झील में, इसी झील में काबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क या उद्यान है। रहस्यमय झील उत्तराखंड की रूप झील है, हाँ रहस्यमय झील आप नोट कर लीजिएगा कि उत्तराखंड की रूप झील है, यहीं पर कंकाल मिले हैं, यहीं पर इसे रहस्यमय झील इसीलिए कहा गया। कौन सी झील है? रूपकंड झील, मैं लिख देती हूँ, वैसे आप लोग सुन भी लेंगे तो चीजें आ जाएंगी, रूपकंड झील है या रूप झील है। और उसके बाद केरल में स्थित झील को कयाल कहा जाता है। पुलकर झील ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, लेकिन इसे आंध्र प्रदेश की ही माना जाता है पुलकर झील को, यहीं पर सतीश धवन है। पेरियार झील ये कृत्रिम झील है, पेरियार झील जो है वो कृत्रिम झील है, ठीक है, इतनी बात आप जान लीजिएगा। डिडवाना झील राजस्थान में स्थित, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारी झील है, इसी झील में नमक उत्पादन किया जाता है। पुष्कर झील ये राजस्थान में स्थित, यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुष्कर झील कहाँ पर है? तो राजस्थान पर है, आप इसे लिख लीजिएगा, पुष्कर झील। पुष्कर झील कहाँ पर है? राजस्थान पर है, राजस्थान में है, यहीं पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। कहाँ पर? यहीं पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, ठीक है, तो यहीं पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। और उसके बाद राजसमंद झील जो राजस्थान पे, जयसमंद झील जो राजस्थान में, फतेह सागर झील जो राजस्थान में है, और सांभर झील जो राजस्थान में, डिडवाना झील जो राजस्थान में है, ठीक है। आप ऐसे याद करेंगे तो बहुत आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। और नक्की झील, जो नक्की झील एक है जो माउंट आबू राजस्थान में है, वहीं पर है। उसके बाद जितने भी मैंने ताल बताए थे, भीम ताल, सात ताल, खुरपा ताल, राकस ताल, नैनीताल, ये उत्तराखंड की हैं। और बस, और पोंगांग जो झील है, ये झील पूर्वी लद्दाख में स्थित है। इसका केवल एक तिहाई, पोंगांग झील आप लिख लीजिएगा, पोंगांग झील ये कहाँ पर है? पूर्वी लद्दाख में है। कहाँ पर है? पूर्वी लद्दाख में, जिसका एक हिस्सा ही कहाँ पर है? भारत पर है, 1/3 ऐसे लीजिए, ये भारत का है। और 3 हिस्सा कहाँ पर है? पाकिस्तान पर है, पाक पर है, ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिए। भारत में शेष हिस्सा, सॉरी, चीन में है, पाक क्या है, 3 हिस्सा आपका कहाँ पर है? चीन पर है, ठीक है, 1 हिस्सा भारत पर है और 3 हिस्सा आपका चीन में है, ठीक है। ये झील एलओसी जो होती है ना, एलओसी, ठीक है, एलओसी पर स्थित है। अब कुछ लोग कमेंट करके बताएंगे एलओसी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, एलओसी का फुल फॉर्म क्या है, इसे आप कमेंट करके बताएंगे। तो ये झीलें हो गई, अब इन्हें जैसे एक सांस में याद करना हो तो आप एक सांस में जम्मू कश्मीर से शुरू करें और उड़ीसा तक आए, या जैसे यहाँ पर पोंगांग झील तक आए, तो एक साथ में कुछ झीलें आपकी हो सकता है छूट जाए, लेकिन कुछ झीलें आपकी वैसे ही चली आएंगी। तो जैसे अनंतनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील, नागिन झील, वूलर झील, डल झील, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ऐसे याद करेंगे तो आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी और आपको एकदम दिमाग में बैठता चला जाएगा। कई बार आप जैसे एक दो बार लिख भी लेंगे तो चीज़ें आपकी याद हो जाएंगी। तो आज की ये झीलें, भारत की जो प्रमुख झीलें थी, वो समाप्त होती हैं। तो आज झील का जो लेक्चर था, तो ये इतना ही था, और आज झील, भारत की झीलों को मैंने समाप्त कर दिया। जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उन डाउटों को क्लियर कर दूंगी, जो भी आपके समझ में ना आया हो, जो भी झील आपके समझ में ना आई हो। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी। और बस अंत में वही लाइन कि आप अपनी पढ़ाई को उधार देते रहिएगा और लगातार पढ़ते रहिएगा, कुछ ही पढ़िए, बस पढ़ते रहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप 4 घंटे 6 घंटे पढ़े तभी पढ़ाई मानी जाती है, पढ़ाई का मतलब होता है सिर्फ आप पढ़ते रहें, चाहे आप आधे घंटे पढ़ें चाहे 1 घंटे पढ़ें, अगर आप निरंतर पढ़ रहे हैं, समय दे रहे हैं पढ़ाई को, स्किप नहीं हो पा रही है एक भी दिन की पढ़ाई, तो इसका मतलब है कि आप पढ़ाई के प्रति मतलब सुनिश्चित कर रहे हैं कि हाँ हम पढ़ाई के प्रति अपना बल दे रहे हैं। जैसे मानस बल झील जम्मू कश्मीर में कि इतने नाग नागी और विस नसर झील के बीच में सब हैं, तो उसी तरह आप ऐसे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड अपने आप को भी उसी में शामिल कर लिया करिए। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, शुभ रात्रि आप सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द। और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा, छोटों को प्यार दीजिएगा, अगर आप कुछ देने योग्य हैं दूसरों को तो उन्हें आप जरूर दीजिएगा, उनका सहयोग करिएगा। और आप सभी को शुभ रात्रि, आप सबका दिन शुभ, आप सब सिर्फ और सिर्फ अपना ही ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।